11 क्लास। अपने बच्चों बेसिक पढ़ लिया था फर्स्ट चैप्टर का, अब इसके अपने को क्वेश्चन स्टार्ट कर लेंगे। फर्स्ट चैप्टर था सेट थ्योरी समुच्चय सिद्धांत। फर्स्ट क्वेश्चन में अपने को 1.1 एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अपने को ये बताना कौन सा सेट है और कौन सा नहीं है। फर्स्ट है जैसे स्टार्ट होने वाले सभी मंथ, जैसे स्टार्ट होने वाले सारे मंथ है, ये सेट होगा या नहीं होगा, तो ये सेट होगा। ये सेट भी क्या होता है, डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट वस्तु संख्याओं का सुपरिभाषित संग्रह, मतलब ये परिभाषित है, डिफाइन है, क्योंकि अपन ये बता सकते हैं दूसरों को कि जो लिख रखा वो क्या है, जैसे स्टार्ट होने वाले मंथ है, महीने है, इसका ये सेट होगा। सेकेंड है इंडिया के सबसे बेस्ट राइटर्स। अब देखिए 10 सबसे बेस्ट राइटर, अब देखिए सबसे बेस्ट की कोई डेफिनेशन नहीं होती, सबके दिमाग में अलग अलग बेस्ट होते हैं, कोई किसको राइटर सबसे बेस्ट राइटर बताता है, कोई किसको बताता है, इसका मतलब सबसे बेस्ट की पर्टिकुलर कोई डेफिनेशन नहीं होती है। तो जैसे अपने क्रिकेटर ही देख लेते हैं, क्रिकेटर है तो अब मैं कहूँ कि इंडिया का सबसे बेस्ट प्लेयर कौन सा है, तो यहाँ पर भी अपने क्या पर्टिकुलर कोई डेफिनेशन नहीं, कोई क्या कहता, कोई क्या, कोई सचिन कहेगा, कोई विराट कहेगा, कोई धोनी कहेगा, इसका मतलब सबसे बेस्ट की पर्टिकुलर कोई डेफिनेशन नहीं होती है, तो इसका मतलब ये सेट नहीं होगा। वर्ल्ड के सबसे बेस्ट 11 प्लेयर्स, इसके भी पर्टिकुलर कोई डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि सबसे बेस्ट की पर्टिकुलर डेफिनेशन होती नहीं। आपकी क्लास के सभी स्टूडेंट्स, ये तो डिफाइन है कि अपन बता सकते हैं 11 क्लास के स्टूडेंट का सेट है। सौ से छोटे नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या, सौ से छोटे नेचुरल नंबर ये भी डिफाइन है, अपन बता सकते हैं लिख रखे वो क्या है, सौ से छोटे मीन्स 1 to 99। राइटर प्रेमचंद द्वारा लिखित अलग पर्टिकुलर नाम आ गया, इसका ये भी डिफाइन है, अपन बता सकते हैं क्या चीज है। इवन इंटीजर संपूर्णांक डिफाइन है, तो ये चीज अपन देख सकते हैं कि कौन सा डिफाइन है कौन सा नहीं, मतलब जिसका एक मीनिंग निकलता है वो डिफाइन है, जिसका दो मीनिंग निकलती है तो इसका हम लोग को डिफाइन नहीं होगा, और जो डिफाइन होता है वो सेट होता है, और जो डिफाइन ही नहीं होते हैं परिभाषित ही नहीं होता वो सेट नहीं होगा। तो समुच्चय का मतलब ये होता वस्तु संख्याओं का सुपरिभाषित संग्रह, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट स्टार्ट सेट। क्वेश्चन नंबर 2 ए है 1, 2, 3, 4, 5, 6, आपको बताना बिलोंग टू नॉट बिलोंग टू 5, यहां पर ए 5 बिलोंग टू ए, 5 ए के अंदर है। सेकेंड 8 ए के अंदर नहीं है, तो नॉट बिलोंग टू मतलब जो है उसके लिए बिलोंग टू कर देंगे, जो नहीं है उसके नॉट बिलोंग टू। ऐसे 0 ए में नहीं है, 4 ए में, इस तरीके से देखना है। अब जो सेट दे रहे थे उसको रोस्टर फॉर्म देखना, रोस्टर फॉर्म मीन्स होंगे इस टाइप से, तो रोस्टर फॉर्म बोलता है इस टाइप से लिखना है नंबर इस टाइप से, और सेट बिल्डर फॉर्म बोलता है समुच्चय निर्माण रूप, तो सच डेट की फॉर्म में कैसे क्या बताऊंगा मैं। थर्ड क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट इक्वल टू अक्ष सच डेट ऑक्सीजन इंटीजर -3 <-7, अक्स की वैल्यू -3 से तो बड़ी और 7 से छोटी, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसका ये भी डिफाइन है, तो सॉरी ये सेट बिल्डर इसमें क्या रोस्टर फॉर्म ये होगा, ये सेट बिल्डर फॉर्म। सेकेंड पार्ट बी दे रखा है अक्सर डेट अक्स 6 से छोटे नेचुरल नंबर, 6 से छोटे नेचुरल नंबर क्या 1 नहीं क्या नहीं 3, 4, 5, 6, 5 सॉरी 6 से छोटे। अक्स दो डिजिट के ऐसे नेचुरल नंबर जिनके डिजिट्स का सम 8 है, दो डिजिट के ऐसे नंबर लेने जिसमें डिजिट्स का सम, दो अंकों की ऐसी संख्या लेनी जिसमें अंकों का योगफल 8 आना चाहिए, 17, 26, 2, 6, 8, 35, 44, 53, 62, 62, 80।
अक्ष एक ऐसे प्राइम नंबर जो 60 से 60 को डिवाइड कर सकते हैं प्राइम नंबर से डिविजर्स 60 में भाग दे सकते हैं ऐसे कौन कौन से प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 7, 11, 12, 13 उसके बाद में जैसे 30 हो गए नहीं बस यही हो प्राइम नंबर दे दिए ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नो टी आर आई जी ओ एन ओ आ गया एम ई ई आ गया आर आ गया वाई मतलब सेट में कभी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते कोई एलिमेंट पहले आ चुका है तो उसको वापस नहीं लिख सकते बेटर फोर्थ क्वेश्चन है अब इसमें क्या रोस्टर फॉर्म गिवन है सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है अपने को रोस्टर फॉर्म दे रही है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है फोर्थ क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट 3, 6, 9, 12 तो अपन इसको क्या लिखेंगे a इक्वल टू अक्स सच दैट अक्स इक्वल टू 3n 3n मीन 3 से डिविजी 32 अब 3 का भाग जा रहा है और n बिलोंग्स टू 1, 2, 3, 4 n 1 से लेकर 4 तक के नंबर हो सकते हैं सेकंड दे रखे हैं 2, 4, 8, 16, 32 तो एक्स सच देट एक्स इक्वल टू 2n एन बिलोंग्स टू 1, 2, 3, 4 क्योंकि ये सारे नंबर 2 के फॉर्म में है क्योंकि 2 को 2 1 4 को 2 2 8 है 2 3 16 2 4 2 5 ऐसे लिख सकते हैं 5 थर्ड पार्ट 5, 25, 125, 625 ये सब 5 की फॉर्म में है अक्ष सच रेट 5n एन बिलोंग टू 1, 2, 3, 4 फोर देगा 2, 4, 6 ये 2, 4, 6 क्या इवन नेचुरल नंबर तो पर ये अक्ष डेट अक्ष इवन नेचुरल नंबर 1, 4, 9, 100 एंड सो ऑन 1, 4, 9, 100 ये सारे क्या है पावर 2 की फॉर्म में इसको अपन लिखेंगे एक्स सच डेट एक्स इक्वल टू एन की पावर 2 एन बिलोंग्स टू 1, 2, 3, 4 ये हो गया अब वापस सेम वही है अपने जैसे क्वेश्चन नंबर अपने थर्ड किया था उसी टाइप से है मैं ओरल बोल रहा हूँ इस क्वेश्चन को एक बार आप समझ लेना फर्स्ट पार्ट है अक्ष एजेड अक्ष इवन नेचुरल ओड नेचुरल नंबर ओड नेचुरल नंबर विषम प्राकृत संख्या 1, 3, 5 बी लेयर का अक्ष एजेड अक्ष इज इंटीजर नंबर -1/2 <2 <9/2 तो -1/2 और 9/2 मीन माइनस के 0.5 और 4.5 के बीच बीच के नंबर लिखने हैं तो 0, 1, 2, 3, 4 अक्ष एजेड अक्ष एक इंटीजर नंबर अक्ष पार लेस देन इक्वल 4 तो ऐसे नंबर लिखने जो 4 या 4 से छोटे हो स्क्वायर तो -2, -1, 0, 1, 2 फिर 2 का स्क्वायर 4 होता है तो इसका हम 2 से ऊपर तो आएंगे फिर 3 ले लेंगे तो गलत हो गया एल ओ वाई एल तो एल ओ वाई हो गया ऐसे मंथ लिखने हैं जिसमें 31 दिन नहीं होते थर्ड ऐसे कौन कौन से महीने हैं जिसमें 31 दिन नहीं होते वो लिखेंगे और ऐसे कौन कौन से कॉन्सोनेंट है जो कैसे पहले आते हैं कैसे पहले वाले कॉन्सोनेंट व्यंजन
देख लेना कौन कौन सा। क्वेश्चन नंबर 6 में मिलाना है कौन सा कौन किससे मिल रहा है, जैसे अपने 1 2 3 6 है ये अपने C से मिल रहा है, क्योंकि 6 में किस किस का पार्ट जाता है वो देख लेंगे अपन 1 2 3 6 इस तरीके से अपने वो चेक करना। तो ये 1.1 एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो गई, कल अपन 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज यहाँ तक एक बार आप वापस पढ़ोगे, कोई प्रॉब्लम आए तो आप मैसेज डाल देना मेरे, जो भी प्रॉब्लम आती है आप मैसेज डाल देना मेरे, मैं पर्सनल नंबर पर मैसेज डाल देना, क्योंकि ग्रुप में मैसेज नहीं डालोगे आप, ग्रुप में से मैं नंबर देख लेना और उस नंबर पर आप मैसेज डाल देना, जो भी प्रॉब्लम आए तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा। मैं पर्सनल नंबर पर डालोगे बट मैसेज ग्रुप में नहीं डालोगे, ग्रुप में डालोगे मैं कोई सॉल्व नहीं करूँगा आपको।